बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इडियम्स के लेक्चर में आज हम इडियम नंबर 6 से 10 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को। हमारी लिस्ट में फर्स्ट जो इडियम है वो है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री हम कहते हैं हर खास व आम को, एवरीवन इसमें आ जाता है। हमारे पास सेंटेंस है, ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हिज पार्टी। उसने अपनी पार्टी में हर खास व आम को इन्वाइट किया। एक और सेंटेंस है, ही इज वेल नोन टू ऑल एंड सन्ड्री। वो हर खास व आम में इक्वली मकबूल है, इक्वली जाना जाता है, हर किसी में वो उसकी उसका खास मकाम है। ऑल एंड सन्ड्री शुड नो दिस रूल। हर खास व आम को इस रूल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं बुनियादी चीज को, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को भी हम कहते हैं, और इसके अलावा शुरू से आखिर तक, इस सेंस में भी इसको यूज करते हैं। आगाज और अंजाम, कोई चीज शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, इस तरह के सेंस में भी इसको यूज करते हैं। जैसा कि ऑनेस्टी इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस का, तमाम बिजनेसेस का, या किसी बिजनेस का जो आगाज और अंजाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऑनेस्टी है। एक और सेंटेंस है, आई हैव टू लर्न अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इंग्लिश। मुझे इंग्लिश के बारे में सब कुछ जानना है, शुरू से लेकर आखिर तक, आगाज और अंजाम, शुरू से आखिर तक सब कुछ इंग्लिश के बारे में जानना है। माई फैमिली इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ माई हैप्पीनेस। मेरी खुशी का आगाज और अंजाम, मेरी खुशी शुरू और खत्म मेरी फैमिली पर ही होती है। लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट है एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं और हाई स्पिरिट्स भी कहते हैं। हाई स्पिरिट्स क्लब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज जिसके जज्बात बहुत बुलंद हों, जिनमें जिसमें कोई काम करने का बहुत ज्यादा पैशन हो, बहुत ज्यादा विगर हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो। अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स, A man with high spirits enjoys his life fully. एक ऐसा शख्स जिसमें high spirits पाए जाते हों, जिसमें animal spirits पाए जाते हों, जिसके जज्बात बहुत बुलंद हों, वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल अंदाज में enjoy करता है। पाकिस्तान आर्मी इज फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स। पाकिस्तान आर्मी जो है वो इट इज फुल ऑफ एनर्जी। नंबर थ्री, टीन एजर्स आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। टीन एजर्स जो होते हैं वो, उनमें जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं, वो दे आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, दे आर फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं झगड़े की वजह, द रीजन ऑफ क्लैश। दिस पीस ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन सलीम एंड अली। सलीम और अली के माबेन झगड़े की जो बुनियादी वजह है वो क्या है, ये जमीन का कतार, जमीन का टुकड़ा है। द लास्ट गोल बिकेम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन मैच। मैच में जो आखिरी गोल था वो झगड़े की वजह बन गया। अ रिंग वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन सिस्टर्स। बहनों के दरमियान झगड़े की वजह एक रिंग थी। और हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट इडियम है वो है द एप्पल ऑफ समवन्स आई, EYEI, द एप्पल ऑफ समवन्स आई, मतलब क्या है, आंखों का तारा या बहुत प्यारा। माई यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, मेरा सबसे छोटा बेटा मेरी आंखों का तारा है। अलीज न्यू कार इज द एप्पल ऑफ हिज आईज, अली की जो नई कार है वो उसको बहुत प्यारी है। आई एम द एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आई, मैं अपने वालदेन की आंखों का तारा हूं। ठीक है, तो आज की हमारी लिस्ट यहाँ पर ख़त्म होती है। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।